हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए प्लांटी। तो आज हम इस प्लांट को प्रोपगेट करेंगे। इस प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत इजी है। ये प्लांट मेरा एस्पेरेगस का है, या फिर आप इसे फर्न भी कह सकते हैं। बहुत जगह, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसको कॉमनली हम एस्पेरेगस के नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छा आउटडोर प्लांट है, काफ़ी अच्छा बुशी सा हो जाता है ये, और बहुत हार्डी प्लांट है। ये सर्दी गर्मी सब कुछ सह जाता है। तो आज हम इससे रिपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लांट आई थिंक इस पॉट में 4 साल से है, और ये काफ़ी रूट बाउंड हो गए हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट जो है अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा या पानी नहीं ले पा रहा, तो आप समझिए कि वो रूट बाउंड हो गया है। तो उसे रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इससे रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये मेरा प्लांट अभी भी हेल्दी है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे इसको फुल डे सन मिलती थी, और बारिश के पानी की वजह से ये बहुत ज़्यादा लश ग्रीन हो गया है। क्योंकि बारिश का पानी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाई अमाउंट में जो होता है नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हमारा गार्डन बहुत हरा भरा लगता है। जो मतलब ग्रीन, मतलब जिसमें उसकी हर जिसकी जिस पौधे की हरियाली की खूबसूरती है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। जैसे हमारे फाइकस हो गए, या वेल वाले कोई प्लांट हो गए, जैसे मनी प्लांट, फाइलोडेंड्रॉन्स, उसी में से एक ये भी हमारा फर्न, या बोस्टन फर्न कह लीजिए, एस्पेरेगस कह लीजिए, ये सारे हमारे लश ग्रीन हो जाते हैं बारिश के मौसम में। तो आज इसको हम रिपोर्ट करते हैं। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल के इसे डिवाइड कर लेते हैं, और देखते हैं हमारे इसमें से कितने सारे प्लांट्स बनते हैं। तो ये देखिए, हमने पॉट से बाहर निकाल लिया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये रूट बाउंड हो चुका है। देखिए, इसके अंदर ये छोटी छोटी जो हैं इसकी रूट्स हैं, जो इसके साइडों से चिपकी हुई थी गमले की दीवारों से, और ये निकल नहीं रहा था, काफ़ी मुश्किल से निकला। ये देखिए, निकल गया। ये सारे इसके जो रूट्स देखिए, ये ट्यूबर्स, इसमें ये एस्पेरेगस में मतलब जो होता है ना, आपको पानी कम देना होता है, क्योंकि ये जो ट्यूब लाइक ये ट्यूबर्स जो होती हैं, इसमें इनका फूड और पानी दोनों स्टोर होता है। तो पानी का इसमें ख़ास ख्याल रखें। मिट्टी इसके लिए हम वेलड्रेन लेंगे, क्योंकि इसे वेलड्रेन सॉइल ही पसंद है। अगर आपके मिट्टी में पानी रुकता है, तो आपका पौधा जो है मरने की कंडीशन में आ जाएगा। पहले वो अपनी ऐसी कुछ पत्तियाँ पीली करेगा। ये तो पुरानी पत्ती इस वजह से पीली हुई है, मतलब पहले वो अपनी ऐसी पत्तियाँ पीली करेगा, फिर वो धीरे धीरे ऐसे ड्राई होके ख़त्म हो जाएगा। तो वेलड्रेन सॉइल ले, जिसमें सैंड की अमाउंट ज़्यादा हो। तो चलिए, इसे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे कितने प्लांट्स इसमें से बनते हैं। क्योंकि ये मैं एक बड़े पॉट में तो नहीं शिफ्ट करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसके 2-4 प्लांट्स अपने बना के अलग सेपरेट तैयार कर लूँ। तो देखते हैं कितने प्लांट्स बनते हैं, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके 4 प्लांट्स बनाए हैं। मैं चाहता तो इनके और भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटे मोटे, और ये देखिए अभी भी इसमें से 2 प्लांट्स आराम से बन सकते हैं। बट मैं अपने पॉट्स में थोड़े जो प्लांट बुशी ही अच्छे, या मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे पॉट्स में, जैसे इस तरह के मैंने पॉट्स, मैं वैसे इसी पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा, रिपोर्ट करूँगा। और इस पॉट में अगर मान लीजिए मैंने पतले पतले से, मतलब ये छोटे छोटे से करके लगाए, तो ये जो पॉट है वो खाली लगेगा, और देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इस वजह से मैंने चेक किया, तो मुझे लगा कि इतना काफ़ी है। और जब भी ये फिर से घना होगा, तो मैं इसे दोबारा रिपोर्ट कर लूँगा। लेकिन मुझे ये जो है थोड़ा बुशी लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने 4 प्लांट्स अलग अलग कर लिए हैं। और ये ट्यूबर्स जो हैं, आप इसे फेंकें ना, क्योंकि ये ट्यूबर्स जो हैं, इनसे आप जो नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ये अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। रेनी सीज़न अभी भी चल रहा है, तो ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। इन ट्यूबर्स को ना फेंकें। ये देखिए, ये जो पॉइंटेड है, ये इसके यहीं से इसके जो हैं प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, और ये इसके रूट्स हैं। तो इसे आप फेंकें ना, इसी में ग्रो कर लें। तो चलिए, हम सॉइल मिक्स लेके सॉइल मिक्स बना लेते हैं, और चलिए इसे रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पॉट्स लगभग रेडी कर लिए हैं। इसके सेंटर में मैंने जो है कोको फाइबर्स रखे हुए हैं, ताकि ड्रेनेज होल जो है मैं इसे कवर कर सकूं।
और प्लास्टिक के पॉट्स में मैंने जैसे आपको हमेशा कहा है कि ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें और उसके नीचे ऐसा मटेरियल रखें जिससे पानी आसानी से ड्रेन हो जाए। आप चाहें तो पुरानी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, पेबल्स या स्टोन्स यूज़ ना करें क्योंकि उसमें जाके फिर मिट्टी बैठ जाती है और पानी फिर ड्रेन आउट नहीं होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई क्लोथ जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं वो, या फिर ये बेस्ट है कोको फाइबर, हर घर में अवेलेबल हो जाएगा, ये आपको पुराने नारियल से भी मिल सकता है, वो यूज़ करें। तो चलिए इसमें हम अपना सॉइल मिक्स फिल कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ मैंने अपने जो हैं 3 पॉट्स रेडी कर दिए हैं और 1 पॉट जो मैं आपके सामने ही रेडी करूँगा। मिट्टी देखिए आपको ऐसी लेनी है एकदम फ्री फ्लोइंग। इसमें आप जो है 40% गार्डन सॉइल लें और 40% 30 to 40% जो है आप जो अपना किसी भी तरह की खाद जैसे काव डंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, मैं वैसे ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट ही यूज़ करता हूँ। देखिए इसमें एक्शल भी दिख रहा है आपको, और 20 to 30% अपने अंदाजन जो है सैंड लें। सैंड की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है चिकनी हो, क्लेई सॉइल हो, तो आप उसमें अपनी सैंड की मात्रा 40% कर दें। तो बस ये हमारी मिट्टी रेडी है, चलिए आप इसमें हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं। बस सिंपली आपको क्या करना है, बीच में आपको थोड़ा सा जो है ये होल सा बनाना है और प्लांट को थोड़ा क्लीन करके इसमें प्लेस कर देना है ऐसे, और बस अपना सॉइल मिक्स लें और साइडों से फिल कर दें। प्लांट में जो भी आपको लगे, जैसे ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि ये प्लांट को ख़राब कर सकती हैं, ये इसके ट्यूबर्स हैं जो रॉट हो गए हैं, तो इसको आप रिमूव कर दें। तो बस हमारा प्लांट जो है रिपोर्ट हो गया सिंपली। इसके ट्यूबर्स अगर थोड़े से ऊपर दिखाई दें तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा जो है इसके ट्यूबर्स को थोड़ी ओपन स्पेस ही अच्छी लगती है। अभी इसमें जो है मिट्टी कम है, मैं इसमें मिट्टी और फिल कर दूंगा पानी देने के बाद। और एक बात का और ख्याल करें कि इसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, जैसे आप मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया तो मैं इसे तकरीबन 1.5-2 साल तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खाद की रिक्वायरमेंट करें तो इसमें जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे, और क्योंकि दूसरी खाद देंगे तो वो ये उसे ले नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसके पॉट में गुड़ाई नहीं कर सकते। गुड़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें जो ट्यूबर्स हैं हम उसको डैमेज नहीं कर सकते। ट्यूबर्स एक बार डैमेज होने लगे तो प्लांट जो है मरने की कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप गुड़ाई ना करें, गुड़ाई करने वाला प्लांट ही नहीं, किसी भी जो भी प्लांट ट्यूबर्स या फिर बल्ब से ग्रो होता है उससे गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और उसे सॉलिड खाद जो है आप एक ही बार दें, जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएं तब, उसके बाद जो भी आपको देना होगा वो लिक्विड फॉर्म में देना होगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं किसी भी तरीके का। जैसे मैं तो वैसे अपने किचन वेस्ट से बनी हुई जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है मैं वही देता हूँ। तो बस गाइस इस तरीके से हमने एक पौधे से अपने ये देखिए 4 पौधे बनाए। देखिए वो एक पॉट में लगा हुआ था तो वो उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको मैंने जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब हम इसे बस पानी देंगे और मतलब ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन के लिए मैं इसे शेड में रख दूँगा। तो बस होपफुली गाइस आपको मेरा ये स्पैरगस का प्रोपगेशन वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस जो हैं गार्डनिंग से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं। और क्योंकि गार्डनिंग मेरा शौक है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने साथ जो है गार्डनिंग के कुछ अच्छे अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी देता रहूं। वीडियो थोड़ी लेट भी आ सकती है क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस गाइस, ओके बाय।